रीना रीना, मेरी वर्दी लाना। वो पुराना ड्राइवर शायद किसी इमरजेंसी की वजह से लीपर है, तो उसकी जगह मुझे जाना होगा। वर्दी पैक करके दे रही हूँ, कोई जरूरत नहीं वर्दी पहन के यहाँ से बाहर जाने की। आप सबको बताना चाहते हो कि आप एक ड्राइवर हो। ये क्या बोल रही हो तुम? अब सरकारी नौकर हूं तो हूं, उसमें गलत क्या है? इसमें छिपाने शर्माने वाली क्या बात है? मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आप अपने लिए एक अच्छी नौकरी नहीं ढूंढ सकते थे। मुझे तो नाम से ऐसी छोटी जॉब लगती है। रीना, मैं नौकरी के बारे में ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? मेरी नौकरी बहुत इज्जतदार नौकरी, सब लोग मेरी इज्जत करते हैं, और इतनी सारी सवारियों की जिम्मेदारी होती है मुझ पर, अपने से ज्यादा उनकी सेफ्टी पर ज्यादा ध्यान देना होता है मुझे। बस करो आप जिम्मेदारी वाली नौकरी, सबसे घटिया नौकरी है ये। अगर घर वालों ने जबरदस्ती नहीं की होती ना, तो मैं आपसे शादी करने में कभी हाँ नहीं करती। मुझे कितना सर झुका के चलना पड़ता है बाहर आपकी वजह से। अगर मेरा बस चलता ना, घर वाले जबरदस्ती नहीं करते, तो मैं आपसे कभी शादी नहीं करती। रीना, मुझे अगर पहले पता होता कि तुम मेरे प्रोफेशन से इतनी नफरत करती हो, तो तुमसे मैं भी शादी नहीं करता। मगर मैं कोशिश करूंगा कि टाइम के साथ साथ तुम इसकी कदर करना सीख जाओ। इससे हमारा घर चल रहा है, और तुम कि इसके बारे में ऐसी बातें कर रही हो, मैं इस काम की बेइज्जती होते नहीं देख सकता। बेइज्जती तो मेरी होती है जो मुझे हर दिन फेस करनी पड़ती है। मेरे पड़ोसी, उनके सामने सर उठा के भी नहीं चल सकती हूँ मैं। मेरी सारी फ्रेंड्स, उनके पति इतनी अच्छी नौकरी करते हैं, और मेरी शादी किससे हुई है? एक ड्राइवर के साथ। रीना, बस बहुत बोल लिया तुमने। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम किस सोच से ये सब बोल रही हो, मगर मैं कोशिश करूंगा कि पति होने के नाते तुम्हें जो मिलना चाहिए उसको मैं तुम्हें दूं। तुम्हारी सारी चीजें, घर का राशन, कपड़े वगैरह, मेकअप, सब इसी की वजह से आ रहे हैं, पर मैं इसके बारे में कुछ उल्टा नहीं सुन सकता। किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती हमें। बस करो आप कितनी भी कोशिश कर लो ना, आपके सर से ये ड्राइवर का टैग नहीं जाने वाला। मैं इस तरह से आपको कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम किस समझ से ऐसा बोल रही हो, मगर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पति होने के नाते तुम्हें वो सब दूं जो मेरा फर्ज है। मैं कोशिश करूंगा कि तुम मेरे काम की कदर करना सीख जाओ। अभी चलता हूँ, लेट हो रहा हूँ, मेरी डे शिफ्ट है। देखा कितनी कुत्तों वाली जॉब है ये, कभी सुबह बुला लेते, कभी शाम को बुला लेते, कोई फ्रीडम है आपकी? रीना, जो है जैसा भी है यही, अब तुम्हें इसे समझने में टाइम लेना है तो लो, पर एक बात याद रखना, नौकरी करना सबके बस की बात नहीं। लो मेरी यूनिफॉर्म पकड़ाओ, वही पहन लूंगा। हेलो सुप्रिया, कैसी है तू? अरे मैं एकदम ठीक हूँ, तू कैसी है? शादी के बाद तो गायब ही हो गई। किसी एलियन से शादी कर दी है क्या? अरे यार, तुझे पता है कि शादी के बाद बिजी हो जाते हैं, तो समझ सकती है, मुझे पता है। वैसे जीजू का काम करते हैं, तूने बताया नहीं? वो एक्चुअली आईटी में जॉब करते हैं ना, बस अभी थोड़े बेटर ऑप्शंस देख रहे हैं। ओह, वो तो बहुत अच्छी बात है। ऑल द वेरी बेस्ट तुम दोनों को, मिलते हैं कभी। मेरे हस्बैंड की भी ट्रांसफर ना सेम सिटी में हुई है, फिर तो हम दोनों मिलने का प्लान बना ही सकते हैं। अच्छा, तू भी सेम सिटी में, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, मिलेंगे ना, पर अभी ना हमें थोड़े टाइम के लिए गांव जाना पड़ेगा, जब वापस आएंगे तो मिलेंगे। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है यार, चलो टेक केयर, जल्दी मिलते हैं। ओके बाय, टेक केयर। तुमने अपनी दोस्त से छूट के बोला कि हम घर जा रहे हैं और मैं नौकरी नहीं करता, तो क्या बोलती उसे कि मेरी शादी एक ड्राइवर से हुई है, और घर बुला के शर्मिंदगी से मर जाती? देखो मेरी किस्मत, स्कूल में उससे ज्यादा मार्क्स आते थे मेरे, और उसकी शादी एक टीचर से हुई है, और मेरी किससे? एक ड्राइवर से। बस रीना, बहुत हो गया। अगर तुम्हें मेरी नौकरी से इतनी शर्मिंदगी महसूस होती तो छोड़ सकती हो मुझे। सोच लूंगा कि मेरी जिंदगी में पत्नी का प्यार था ही नहीं। ये क्या बात होती है, आप ही नौकरी छोड़ के नहीं छोड़ सकता। तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक इस घर का खर्चा इससे चल रहा है। बहुत जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। चलो अब जा रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ। खराब मूड के साथ काम पर नहीं जाना चाहता। कुर्सी पर बैठे रहने वाली नौकरी नहीं है मेरी।
आगे आप? अब तो डे शिफ्ट है, इतना लेट क्यों हो गए? हाँ वो जॉब के बाद अब ट्रेनिंग लेना भी शुरू कर रहा हूँ। ट्रेनिंग? हाँ ताकि जॉब स्विच कर सकूँ। तुम्हें ये वाली पसंद नहीं है ना? ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे नहीं लगा था कि आप इतना जल्दी सोचोगे भी इस बारे में। मुझे बात बताओ, तुम मेरी इस नौकरी से इतना नफरत क्यों करती हो? पता नहीं, नफरत नहीं करती पर सोसाइटी की वजह से, दोस्तों की वजह से ये ड्राइवर नाम ही कुछ अजीब सा लगता है। रीना एक बात बताओ, अगर सभी तुम्हारे जैसे सोच रखने लगेंगे तो दुनिया कैसे चलेगी? हमारे देश में सभी के पास तो गाड़ियां नहीं है ना, तो सभी अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए बस से ट्रैवल करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो सब भी तुम्हारी नजरों में गए गुजरे। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। फिर गाड़ी तो कभी मेरे घर पे भी नहीं थी। तो इसका मतलब तुमने और तुम्हारी फैमिली सभी ने बस से ट्रैवल किया होगा। हाँ। तो जिन बसेस के थ्रू तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी चल रही है, उसी नौकरी से इतनी शर्मिंदगी महसूस क्यों होती है तुम्हें? तुम्हें पता भी है रोज 100-150 लोग हमें अपनी बस में बिठा कर लेके जाने पड़ते हैं, मीलों दूर तक का सफर तय करते हैं हम लोग, और इन सबके बीच भी हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या होती है? हमारी सवारी, ताकि उन्हें कुछ ना हो जाए। और तुम्हारे दोस्तों के पतियों को जितनी सैलरी मिलती है उतनी सैलरी मुझे भी मिलती है, और मैंने कभी इस नौकरी से कभी अपना दिल नहीं मोड़ा, कभी छोड़ने के बारे में भी नहीं सोचा। पर हाँ, तुम्हारे लिए इस जॉब को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मगर एक रिक्वेस्ट चाहता हूँ तुमसे कि कभी भी किसी भी नौकरी को, किसी भी काम को छोटा नहीं आंकना चाहिए। हर नौकरी में फोकस और स्किल की ज़रूरत तो होती है ना, और इसमें भी कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, छोटी बड़ी इंसान की सोच होती है। ठीक है, आप हाथ मुंह धो लो फिर खाना लगाते हो। मुझे माफ़ कर दो, मेरा शायद से बहुत ज़्यादा हो गया। मैं खुद कोई नौकरी नहीं करती हूँ पर आपको हर छोटी बात पर इतना प्रेशर देती रहती हूँ। मुझे इस बात की इज्जत करनी चाहिए थी कि आप मुझे सब कुछ लाकर देते हो। एक्चुअली मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी ऐसे इंसान से शादी करूँगी जिसका प्रोफेशन ड्राइविंग है। मम्मी पापा ने गवर्नमेंट जॉब देख के मेरी शादी कर दी, पर अगर मुझे इतनी दिक्कत थी तो मुझे शादी के लिए हाँ ही नहीं करना चाहिए था, मुझे कन्विंस ही नहीं होना चाहिए था। पर इस तरह से आपकी बात बात पे बेइज्जती करना ठीक नहीं है, मुझे ये एहसास हो गया है। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। कभी कभी जब लाइफ में हमें उम्मीद से कम मिलता है तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा तुम्हारा दिल जीतने की, और उम्मीद करूँगा कि तुम मुझे पूरी तरह एक्सेप्ट कर सको। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि हमें पति पत्नी बनने से पहले दोस्त बनने की ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हम एक दूसरे के साथ वो सारी बातें शेयर कर सकें जो हम एक दूसरे के लिए फील करते हैं। शायद इसी बहाने तुम मुझे अच्छे से समझ भी पाओगी। शायद आप ठीक बोल रहे हो, पर मुझे पता नहीं क्यों ये सब एक्सेप्ट करने में इतना टाइम लग रहा है, पर मैं प्रॉमिस करती हूँ इसकी वजह से आपके साथ एटलीस्ट बदतमीजी तो नहीं करूँगी। बात मुझे समझ आ गई है। चलो कम से कम इतनी समझ तो है तुम्हें। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें कल अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ, ताकि तुम्हें अपने जॉब का कल्चर दिखा सकूँ कि हम कैसे काम करते हैं, और शायद इसी बहाने तुम मेरी जॉब के साथ कंफर्टेबल भी हो जाओगी। मैं चलूँगी आपके साथ कल। चलो अब तुम भी खाना खाओ, बहुत रात हो गई। सुनो ना, आपको मेरी वजह से जॉब स्विच करने की जरूरत नहीं है।